हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 114, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 21 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 1 द मैजिक गार्डन से लिया गया है। बच्चों, इस स्टोरी को आप ऑलरेडी इनसे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट अ वंडरफुल डे टू सिंग एंड डांस इन द मैजिक गार्डन। बच्चों, आज कितना प्यारा दिन है मैजिक गार्डन में गाने के लिए और डांस करने के लिए। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। They danced and sang sweet songs which only the children could hear. तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि वो जो गार्डन था वो सच में एक मैजिक गार्डन था, क्योंकि वहाँ पर फेरीज भी थी, यानी कि परियाँ भी थी, और वो क्या करती थी, वो डांस करती थी और गाना गाती थी, लेकिन उनका गाना सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। Now let us read further and find out whether the given statements are correct or incorrect. Put a tick for the correct एंड क्रॉस फॉर दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। बच्चों, आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि उसमें से कौन सी करेक्ट हैं और कौन सी इनकरेक्ट हैं। जो करेक्ट यानी कि सही हैं उसके आगे आपको टिक लगाना है और जो इनकरेक्ट यानी गलत हैं उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फेरीज डिड नॉट टॉक टू द चिल्ड्रन। मैजिक गार्डन में जो फेरीज यानी परियां थी वो बच्चों से बातें नहीं करती थी। बताइए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैजिक गार्डन में जो फेरीज थी वो बच्चों से बातें करती थी, बच्चों के साथ डांस भी करती थी और उनको स्वीट सॉन्ग्स भी सुनाती थी। नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ सनशाइन। जो फेरीज थी उनके विंग्स यानी कि उनके पंख सनशाइन से बने थे। करेक्ट, तो हम यहाँ लगाएंगे टिक। नेक्स्ट है, द मैजिक गार्डन वॉज नॉइजी दैट नाइट। तो क्या उस रात जो मैजिक गार्डन था वो नॉइजी यानी कि वहाँ पे बहुत शोर था। नहीं, ये इनकरेक्ट है, तो आप यहाँ लगाएंगे क्रॉस। बच्चों, उस रात को क्या था कि जितने भी बर्ड्स थे और फ्लावर्स थे, ट्रीज थे, वो सभी सो गए थे और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, कोई भी शोर नहीं था, क्योंकि वो लोग सपने देखने लगे थे जब बच्चे नेक्स्ट डे वापस आते और उसके बाद वो उनको पानी देते, उनसे बातें करते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द मैजिक गार्डन वॉज नॉइजी दैट नाइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ गार्डन इज अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक गार्डन बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए होम यानी कि घर होता है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिसमें बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती हैं यानी कि घोंसले बनाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं और बहुत सारे एनिमल्स ग्राउंड पर रहते हैं, तो वो भी गार्डन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ आने से कोई नहीं रोकता। तो हम कह सकते हैं कि जो गार्डन होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए एक घर होते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में ट्री पर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या आप इसमें से जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनके नेम बता सकते हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये क्या है, ये है पिजन और ये है स्क्विरल, ये है क्रो, ये है मंकी और यहाँ पर हैं छोटी छोटी एंट्स, ये है कुकू, बटरफ्लाई, स्पैरो, बटरफ्लाई और ये है पैरट। तो हमने यहाँ पर इनके नेम्स लिख दिए हैं, पिजन, क्रो, स्क्विरल, मंकी, बटरफ्लाई, स्पैरो, एंट्स एंड कुकू। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स विच लिव ऑन द ट्रीज ऑन द ग्राउंड। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो ट्रीज पर रहते हैं और यहाँ पर आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। तो जैसे कि ट्री पर कौन से एनिमल्स रहते हैं, मंकी हो गया और स्क्विरल हो गई और भी बहुत सारे एनिमल्स, तो आपको उनके नेम यहाँ पर लिखने होंगे। ऐसे ही ग्राउंड पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, डॉग, कैट, काव और भी बहुत सारे एनिमल्स, तो आप यहाँ पर उनके नेम्स लिख सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।